आपने सबके नाम से एक पेड़ इधर लगाया और हम आशा करते हैं कि इन पेड़ों को कामयाब करें और ऊंचा बने, हरा भरा सब इसको और तरक्की करें, सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, आबाद रहे, भाईचारा बनाए रखे, फूलों की तरह हंसते रहे, खेलते रहे और आप हमारा साथ देते रहे। यह जो वृक्षारोपण का कार्य जो यहाँ किया है राजेश छिल्लर जी के नेतृत्व में, बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत ही खुशी हो रही है कि काफ़ी सालों के बाद इस वर्ष 78वें स्वतंत्र दिवस के रूप में जो रंजीत नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे भाई राजेश छिल्लर ने ये कार्यक्रम किया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सैकड़ों लोगों की संख्या में यहाँ पर बच्चों ने कविताएं भी पाठ किया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ, ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी हुआ और सभी ने प्रण लिया है कि हम रंजीत नगर पटेल नगर को एक सुंदर, एक स्वस्थ, एक बहुत बढ़िया स्वच्छ हम अपना एक कॉलोनी बनाएंगे। बट इनसे जो है बहुत सारी प्रेरणाएँ और बहुत सारा इनसे जो है गुण जो है इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज, और आगे जो है मैं भी जो है ये सारी चीज़ें जो है अपने ब्लॉक में भी बरकरार रखूँगा। और पिछले साल की तुलना में ये पार्क इतना हरा भरा हो गया है क्योंकि पिछले साल भी हमने इसी पार्क के अंदर पौधे लगाए थे इनके साथ मिलके, तो वो पौधे आज पेड़ बन चुके हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई तो दूंगा ही दूंगा। यहाँ ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया, तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़ कर वह चिल्लाई, अपनी चोंच खोल चिड़िया, उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़ेदान में डाला। भारत देश हमारा है, हमारे को जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के दो राष्ट्रीय महापर्वों में से एक 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की धूम मची है। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस बात को लेकर के पूरा जोश है और ये देखते ही बनता है। और फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंजीत नगर में, वार्ड 87 है ये, और यहाँ पर कांग्रेस के जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं मिस्टर राजेश छिल्लर, वो अपने कांग्रेस साथियों के साथ यहाँ पर ध्वजारोहण कर रहे हैं, इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं बड़ी ही उमंग के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के क्षेत्रीय निवासी और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और समर्थक जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर झंडा समारोह होगा, झंडा ध्वजारोहण होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है प्रसाद भी वितरित होगा, और जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा कि आखिर आज इस 15 अगस्त के अवसर पर वो क्या विचार रखते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। 15 अगस्त एक इतिहास की तारीख है, एक बहुत बड़े भूभाग खंड जिसका नाम हिंदुस्तान है उसके साथ जुड़ा है। इसको कई सालों तक अंग्रेजों ने 200 साल तक इसे रौंदा, 200 साल तक अंग्रेजों ने कांग्रेस खत्म करने की कोशिश की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पता नहीं कितने नेताओं को जेल में ठूसा गया, मारा पीटा गया, उनको ख़त्म किया गया, लेकिन कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई। वो अलग बात है, आज कुछ जो है वाहियात में सपना देखते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। अंग्रेज नहीं कर सके तो ये क्या करेंगे। तो कांग्रेस बहुत की जड़ें बहुत गहरी है, इतनी गहरी जड़ें हैं कि अगर थोड़ा सूखा भी पड़ जाए तो पौधा मरेगा नहीं, और एक बार बारिश हो गई एक कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इनके दिलों में, कांग्रेस के दिलों में इस देश के लिए एक प्यार है, भावना है, क्योंकि जो भी शख्स अपने हाथ से पेड़ लगाता है
उसे काटने की तो वो सोच भी नहीं सकता, एक टहना नहीं काट सकता, काटने का मन करता पूरा पेड़ की तो बात ही छोड़ दे। हाँ आगे औलाद आ जाए वो बेशक से जड़ छोड़वा दे, उसका कोई भरोसा नहीं आगे आने वाली औलाद। मैं तो यह बंगला बनाऊंगा, काट दे पेड़ समझे, लेकिन कोई भी कांग्रेसी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता कि अपने इस पेड़ को का एक टहना भी काटे। मणिपुर में कौन मर रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें इनकी खुद की आग लगाई हुई है। इनका काम सिर्फ एक ही है, हिंदू मुस्लिम सबको अलग कर दो, धर्म के नाते लड़ाओ इनको। कांग्रेस का काम था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो आज मैं यही कहूँगा कि हम जितने भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच में फराज खान हमारे सलीम भाई के लड़के बैठे हैं, आज कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस ने इनको ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनाने के लिए आगे किया है, ये हमारी कांग्रेस की सोच है। भाई मसूद हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य है, महामंत्री है, ये हमारे हरदम हमारे साथ रहते हैं। मैं समझ नहीं आती बात कि ये हिंदू मुस्लिम अलग है, मुस्लिम नहीं चाहते हिंदू पन पे, हिंदू नहीं चाहता मुस्लिम पन पे, ये बातें आती कहाँ से है? इलेक्शन के टाइम में इन सबको पहले याद आता है मुसलमानों के पास चलो, एक्स वाई जेड पे चलो, वही हमें वोट दिलाएंगे। अब तो इलेक्शन इनकी तरफ नहीं जाना है, इनको बाहर नहीं निकलने देना है, न जाने क्यों। तो मैं यही कहूँगा कि आज 15 अगस्त के दिन हम ये कसम खाएं कि हम सब मिलकर के इनकी इस कुचाल को सफल नहीं होने देंगे, और हम सब भाईचारे के नाते इकट्ठे होकर और इकट्ठे चलेंगे। जय हिंद। मेरा नाम रिद्धि है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारत। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वही गिराया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह चिल्लाई। अपनी चोंच खोल चिड़िया, उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कूड़े दान में डाला, प्यार से नेहा को समझाया। बोली चिड़िया ठीक नहीं है सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब सदा घरों में अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर सड़कों गलियों को हम क्यों गंदा करते हैं। साफ रखेंगे साफ रखेंगे, आज कसम हम खाते हैं, कोई करेगा कोई ना गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। प्रभात, मेरा नाम आरव है, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है 15 अगस्त देश की शान है। 15 अगस्त देश की शान है, यही हमारा देश का अभिमान है। इस दिन पर मुझे यही हमारी आन, यही हमारी पहचान है। जिन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाए, उन शहीदों की शहादत का 15 अगस्त सम्मान है। ना भूलना कभी इस दिन को, ये देश की पहचान है। 15 अगस्त हमारे देश की शान है। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम प्रथम है, मैं 3वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत देश हमारा है, हमारे को जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है। जय हिंद जय भारत। तो हमारा जो दायित्व है वो हमारे को निभाना है, क्योंकि हम लोग सभी सामाजिक है, तो इसलिए हमें सड़क सफाई शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा पार्किंग और जागरूकता के ऊपर सबको जागरूक करना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि आने वाला जो कल है, ये जो जैसे मेरे बच्चे हैं, ये सामने भी बच्चे खड़े हुए हैं, ये बच्चे कल का भविष्य हैं। तो इन्हें हम जो आज देंगे, ये कल वही चीज़ आगे डिलीवर करेंगे। तो प्लीज़ हम सब इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, और आने वाले समय में हम लोग एक अच्छा माहौल दे सकें समाज को। और एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए आप वैसे तो अभी चाइनीज़ मांझा नहीं चल रहा, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो पतरंगे भी बहुत उड़ रही होंगी, तो चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल कोई ना करे, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़ा हूँ, तो पिछले साल और इस साल भी काफ़ी पक्षी जो है उनको बहुत नुकसान हुआ था, और इस साल भी काफ़ी हुआ है नुकसान, मगर इस साल पहले की तुलना में बहुत कम हुआ है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को जागरूक करें कि भैया चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल करना, बेचना
और उसको दंडनीय अपराध है और इसमें बहुत बड़ी सजा भी है। तो ये भी ध्यान रखें पर्यावरण का। तो देखिए हमारे बड़े भाई राजेश शिल्लर जी ये पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब हम सब जब इनका नाम ले दिया तो सभी लोग आ गए। और बहुत बहुत अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। माता की जय, भारत माता की जय। दुर्भाग्य है आज कि हमारे बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ गए हैं जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने को लगे हैं, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, देश के हर नागरिक के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी यह मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि देश का हर नागरिक हर बच्चा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान का रहेगा। सभी मिलके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और आज पूरे देश में ये पर्व ये महोत्सव हम बड़े खुशी से हर्षोल्लास से मनाते आए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक जो आजादी की महक है, एक इंडिपेंडेंस की खुशबू है, वो हमें कहीं ना कहीं याद कराती है कि कैसे हमने अंग्रेजों की गुलामी सही, कैसे उन्होंने हमारे पे प्रताड़ना की, कैसे अत्याचार किया, कैसा दुराचार किया, उससे फिर लड़कर हम सब के पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया है। सैकड़ों लोगों ने नहीं, हजारों लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे चूमे हैं, गोलियां खाई हैं, उनकी आत्महत्या, उनकी हत्याएं हुई हैं, उनकी शहादत हुई है, और इस विरासत को हमें बचाकर रखना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे बाद हमारे आने वाले भविष्य, हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेवारी है, और आज ये जिम्मेवारी हम सब लोग अपने अपने तरीके से निभा सकते हैं। सरकारें तो जो काम करती हैं, क्योंकि आज ये मैं विषय स्वतंत्रता दिवस का है, मैं इसे राजनीतिक बात नहीं करना चाहता कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या, पूरा देश जानता है कि इस देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस के ही लीडर्स थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, लाठियां खाई, गोलियां खाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे 22 साल जेल में रहे, जबकि उस वक्त के वो बहुत एक धनाढ्य परिवार से एक बहुत बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू के बैरिस्टर के बेटे थे। खुद स्वयं देश की जो आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी जी, वो खुद 12 साल देश की आज़ादी के लिए जेल में रही है। और ऐसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, सगी सुखदेव थे, राजगुरु थे, अनेकों हमारे जितने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तमाम हमारे लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई को कायम किया है। और इस बार ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 78वां तो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था जिससे देश चल रहा है, वो कोई साधारण किताब नहीं है, उस संविधान में ही सारी चीज प्रदत्त है जो हमें भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उसके भी इस वक्त 50 साल हम ये मना रहे हैं कि भारत के संविधान को बने 50 साल हो गए हैं, और संविधान से हमें क्या मिलता है, संविधान से मिलता हमें समानता, संविधान से मिलती हमें एकता, संविधान से मिलती हमें आपसी भाईचारा, अमनो अमान, शांति, और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्मनिरपेक्षता, जो इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरा विश्व देखता है कि ये इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का देश, इसमें किस्म किस्म के फूल हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली बोली जाती है, अलग अलग पहनावे पहने जाते हैं। अभी मेरे एक भाई धोती पहन के आज आए हुए, भाई तिलकराज जी, कोई कोट पैंट पहने हैं, कोई कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है। ये सारी आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, बैठने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने धर्म मजहब को मानने की आज़ादी, इबादत करने की आज़ादी, देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने की आज़ादी, सब हमें मिलती है संविधान से। ये सबकी तरफ से है, पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। ये जो हमारे हमारे सत्तू भाई लो भाई, ये खाली जी आइए, बिल्ला जी पीछे रहे फोटो के। हमारे
मनजीत जी किधर है? बासा जी हमारे मनजीत जी हमारे खाली साहब बड़ा सौभाग्य है जी हमारा आनंद स्वागत कर रहे हैं और हमारे बीच भी कहते हैं खड़े रहते हैं कहते हैं धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं और पानी तो पुरानी दिल चले जाते हैं और से ले जाते हैं भारत माता की भारत माता की ये जो जीत चलिए जीतेंगे जब होगा इधर इधर देखना भाई चिल्लर साहब फराज साहब इधर सब भाइयों से पूरा निवेदन है जितने भी अपने घर में 18 से 35 साल की वोट जो है चुकी बनी हुई है तो मुझे फोन करें विनय मोदी जी फोन करें आजादी को फोन करें चाहे वोट बने दो वोट बने और जो है झंडा फहरा के पेड़ लगाएंगे पेड़ लगा के चाय और कुछ मजा लेंगे गुजरात मराठा गावे जन हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंगा सर शुभ नामे जागे सर शुभ आशीष मागे गाए सब जय माता जय गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय रे जय रे जय रे जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे बहुत बहुत रूप सिंह गोसाई जी धन्यवाद करते हैं। पिछले 15 अगस्त को आप आए थे तो हमारा रोड टूटा पड़ा था, आपने हमारी आवाज उठाई थी, उस कारण से हमारा रोड बन गया। इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भी जितने सब भाई आए हैं मोदी जी, हरनाम जी, सत्तू भाई, अपने उपेंद्र नाथ शर्मा जी, प्रदीप कागड़ा जी, इस वक्त हम सब सारे जो पेड़ लगाने जा रहे हैं और हर आदमी हरनाम जी, मोदी जी, गिरीश जी, अपने अपने एक एक पेड़ लगाएंगे। मोदी अंकल आओ ना, आप भी आ जाओ। राज मसूद और सुनील जी के हाथ से ये भाई मिक्सी वाले के इलाज में लगाया जा रहा है। आज जो है रणजीत नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है आपने झंडा फहराया, जिस आपने सबके नाम से एक पेड़ इधर लगाया और हम आशा करते हैं कि इन पेड़ों को कामयाब करें और ऊंचा करें, हरा भरा सब इसको और तरक्की करें, सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, आबाद रहे, भाईचारा बनाए रखे, फूलों की तरह हंसते रहे, खेलते रहे और आप हमारा साथ देते रहे। हम तहे दिल से आपका गोसाई जी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जैसे आप आपको बुलाते हैं आप हमारी आवाज़ को आगे लेके जाते हैं। 78वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। साथियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष राजेश छिल्लर जी, जिन्होंने यह 15 अगस्त का प्रोग्राम यहाँ पर रखा, बहुत ही सराहनीय है। यह जो वृक्षारोपण का कार्य जो यहाँ किया है राजेश छिल्लर जी के नेतृत्व में, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि यह स्वस्थ रहें
और इसी प्रकार कार्य करते रहें, हमें मार्गदर्शन देते रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरे को कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि काफ़ी सालों के बाद इस वर्ष 78वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो रणजीत नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे भाई राजेश छिल्लर ने ये कार्यक्रम किया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और आज उपस्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रणजीत नगर ब्लॉक के अंदर कांग्रेस की एक बार फिर से बाहर आ गई है और यहाँ पर कांग्रेस अपना पूरा प्रचंड बहुमत से अच्छा विजय करेगी। और इन्होंने जो आज ये पहले भी पेड़ लगाते रहे हैं राजेश छिल्लर जी, आज भी इन्होंने फिर पेड़ लगाए हैं। मैं आशा करता हूँ ये पेड़ जैसे जैसे पेड़ फलेंगे फूलेंगे वैसे हमारी कांग्रेस यहाँ पर फूलेगी फूलेगी और आगे अच्छा कार्यक्रम रखेंगे। जय हिंद। आज रणजीत नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया बहुत ही सराहनीय काम है। तमाम लोग बहुत सैकड़ों लोगों की संख्या में यहाँ पर बच्चों ने कविताएं भी पाठ किया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ, ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी हुआ और सभी ने प्रण लिया है कि हम रणजीत नगर पटेल नगर को एक सुंदर एक स्वस्थ एक बहुत बढ़िया स्वच्छ हम अपना एक कॉलोनी बनाएंगे। इस पर पूरी कांग्रेस पार्टी आने वाले पूरे साल मेहनत करेगी कि किस तरीके से हम यहाँ से गंदगी को हटाएं, स्वच्छता लाएं, पेड़ पौधे लगाएं और बच्चों को पढ़ाई का काम करें, स्वास्थ्य का काम करें। हम सब इस पर ही काम करेंगे, ये आज हमने प्रण लिया है। आज मैं आज़ादी की पावन जयंती पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि देश में बस एकता बनी रहे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। देश का माहौल थोड़ा आज ठीक नहीं है मगर फिर मैं आशा करता हूँ कि देश में हमारा आने वाला समय और अच्छे आने वाला है। धन्यवाद। सभी देशवासियों को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रणजीत नगर क्षेत्र के अंदर में मुझे माननीय श्री यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री राज छिल्लर जी बुलाए झंडा फहराने के लिए। बट इनसे जो है बहुत सारी प्रेरणाएँ और बहुत सारा इनसे जो है गुण जो है इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। और आगे जो है मैं भी जो है ये सारी चीज़ें जो है अपने ब्लॉक में भी बरकरार रखूँगा और उसे भी आगे चलाऊँगा। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश छिल्लर जी का जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं आज इनको बहुत ज़्यादा सैल्यूट करता हूँ जो इन्होंने ध्वजारोहण के साथ साथ ये जो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया है उसके लिए तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और पिछले साल की तुलना में ये पार्क इतना हरा भरा हो गया है क्योंकि पिछले साल भी हमने इसी पार्क के अंदर पौधे लगाए थे इनके साथ मिलकर, तो वो पौधे आज पेड़ बन चुके हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई तो दूंगा ही दूंगा और साथ में स्वतंत्रता दिवस की पांडव नगर, पटेल नगर, रंजीत नगर और तमाम क्षेत्रवासियों के साथ साथ दिल्ली वासियों और देशवासियों को भी बधाई दूंगा स्वतंत्रता 78वें स्वतंत्रता दिवस की कि आप खूब फले फूले सुख शांति समृद्धि उन्नति धन दौलत हर तरफ से खुशियां नवाजे परमात्मा आप सबको और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और पुनः धन्यवाद राजेश भैया का और साथ में रूप सिंह गुसाई जी का जो कि अच्छे कार्यों के लिए हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। इनके AN न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इन्हें खूब तरक्की भगवान बख्शे, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ भी हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।